हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेसा। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का लेसन 10 अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी की एक्सरसाइज वाली वीडियो कवर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ बूझ करके पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो ये प्रश्न है इनके हमें उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट वॉज मदुरई अर्लियर नोन एज। मदुरई को पहले किन नामों से जाना जाता था। तो आंसर है, मदुरई वॉज अर्लियर नोन एज मदुरापुरी द सिटी ऑफ नेक्टर। तो मदुरई को पहले मदुरापुरी या अमृत नगर के नाम से जाना जाता था। सेकंड है, व्हाई इज मदुरई कॉल्ड द सिटी ऑफ नेक्टर। तो मदुरई को अमृत नगर के नाम से क्यों पुकारा जाता था, पुकारा जाता है। तो आंसर है, मदुरई इज कॉल्ड द सिटी ऑफ नेक्टर बिकॉज ऑफ इट्स मेलोडियस साउंड द स्वीट स्मेलिंग जास्मिन स्ट्रैंड्स वाइंडिंग एंट्रेंसेस एंड द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल। तो मदुरई को अमृत नगर के नाम से क्यों जाना जाता है, इसका आंसर जानते हैं। मदुरई कॉल्ड द सिटी ऑफ नेक्टर, मदुरई को अमृत शहर के अमृत नगर के नाम से जाना जाता है बिकॉज, क्योंकि ऑफ इट्स मेलोडियस साउंड, क्योंकि यहाँ की सुरीली संगीत की ध्वनि, द स्वीट स्मेलिंग जास्मिन चमेली के लताओं से आती मनमोहक खुशबू, वाइंडिंग एंट्रेंस हवादार प्रवेश मंदिर का हवादार प्रवेश द्वार, द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल यहाँ की लोगों की विनम्रता, ये सभी चीजें मदुरई को एक अमृत नगर के रूप में, अमृतमय नगर के रूप में दिखाती है, हमें बताती है। इसलिए हम इसको अमृत नगर के नाम से जानते हैं। तीसरा है, व्हाई डिड शिवा पुट नेक्टर ऑन मदुरई। तो मदुरई पर शिव जी ने अमृत क्यों बरसाया, मदुरापुरी में शिव जी ने अमृत क्यों बरसाया, मदुरई में क्यों बरसाया। तो आंसर है, शिवा पुट नेक्टर ऑन मदुरई टू नेचुरलाइज्ड द पॉइजन एज प्रीवियसली बीन फॉलन बाई लॉर्ड शिवास स्नेक देयर। तो शिव जी ने अमृत मदुरई पर अमृत बरसाया जहर के प्रभाव को कम करने के लिए, विष के प्रभाव को कम करने के लिए अमृत बरसाया, जो कि पहले क्या हुआ था, भगवान शिव जी के ही सर्प के द्वारा जहर गिराया गया था, उसके विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव ने मदुरई में अमृत गिराया था। ठीक है, इतना समझ में आया। चौथा, हाउ मेनी लीजेंड्स अबाउट मदुरई हैव यू रीड इन द लेसन। तो आपने लेसन में कितने पौराणिक कथा के बारे में, मदुरई के बारे में कितने पौराणिक कथाओं के बारे में जाना। तो आंसर है, वी हैव रीड 3 लीजेंड्स अबाउट मदुरई इन द लेसन। तो हमने लेसन में 3 मदुरई के बारे में, 3 पौराणिक कथा के बारे में जाना। एक लॉर्ड शिवा के सर्प के द्वारा विष गिराना, फिर शिवा का उसे प्रभावहीन करना, फिर और इधर पढ़े थे कि जब मदुरई में आक्रमण होता था तो उन आक्रमण करने वालों को जो शिव जी के सर्प थे, नाग थे, वो उनको पत्थर में बदल देते थे। तो इतने प्रकार के हमने पौराणिक कथा के बारे में पढ़ा। पांचवा है, विच ऑफ द लीजेंड्स अबाउट मदुरई डू यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग। भाई, आपको मदुरई के बारे में पौराणिक कथा सबसे ज़्यादा कौन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग, रुचिकर लगी और क्यों लगी, इसका आंसर जानते हैं। आई लाइक द लीजेंड ऑन इन विच द स्नेक चेंजेस ट्रैकर्स इंटू स्टोन। तो मुझे पौराणिक कथा में जो सर्प के द्वारा आक्रमण
आक्रमणकारी को स्टोन पत्थर में बदल देना ये मुझे ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज इन दिस वे इट सेव्स हिज सिटी एंड दियर पीपल, क्योंकि इसके द्वारा व इन द वे इट इसके द्वारा अपने शहर को सुरक्षित बचा सकते थे एंड डियर पीपल अपने लोगों और अपने शहर को सुरक्षित बचाया जा सकता था। ये स्टोरी, ये पौराणिक कथा हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। छठवां है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट मदुरई। मदुरई के बारे में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया, तो आंसर है आई लाइक मोस्ट अबाउट मदुरई एज इट हैज फुल ऑफ वंडरफुल स्कल्पचर्स एंड इज अ पीसफुल प्लेस एंड द पीपल आर पोलाइट हियर। मुझे सबसे अधिक मदुरई के बारे में पसंद आया वो एज है, जैसे कि मदुरई का जो वंडरफुल भव्य संरचना, मदुरई मंदिर का, मदुरापुरी मीनाक्षी मंदिर का भव्य संरचना ये पसंद आया। इट इज़ अ पीसफुल प्लेस, यह शांत प्लेस था ये पसंद आया। एंड पीपल आर पोलाइट हियर, और यहाँ के लोग विनम्र हैं, विनम्रता से पेश आते हैं, ये चीज़ हमें मदुरई का सबसे अधिक पसंद आया। आई होप फ्रेंड्स आप क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए। फर्स्ट है आफ्टर द वेडिंग मीनाक्षी इज टेकन ऑन, तो वेडिंग शादी के बाद मीनाक्षी देवी मीनाक्षी को किसमें ले जाया जाता था, पैलन क्वीन पालकी में ले जाया गया। दूसरा है लॉर्ड सुंदरेश्वरा इज कैरीड ऑन आ, तो लॉर्ड सुंदरेश्वरा भगवान सुंदरेश्वर को किसमें ले जाया जाता है, सिल्वर एलिफेंट चांदी के हाथी में ले जाया जाता है। तीसरा है गॉडेस मीनाक्षीस हस्बैंड इज, तो मीनाक्षी देवी के पति का क्या नाम है, लॉर्ड सुंदरेश्वरा भगवान सुंदरेश्वर नाम है। चौथा है द पीपल ऑफ मदुरई स्पीक, तो मदुरई के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज कौन सी भाषा बोलते हैं, तो तमिल भाषा बोलते हैं। पांचवा है मदुरई इज इन, मदुरई इज इन खालिस्तान स्टेट, तो मदुरई किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। छठवा है द मून ऑन शिवास हेड इज के क्रेसेंट शेप्स, तो शिव जी के चांद का शेप्स आकार कैसा है, दूज के चांद के जैसा है। तो इतना ये समझ में आया ये एक्सरसाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वोकैबुलरी, फर्स्ट है गिवन बिलो आर वर्ड्स फॉलोइंग बाय फोर मीनिंग्स, टिक द मीनिंग्स यूज्ड इन द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बुक में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के यहाँ पर चार ऑप्शन है, इस शब्द का, ये जो प्रश्न में शब्द है उन शब्दों की मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, उनमें से कौन सा सही मीनिंग है उसमें टिक लगा करके हमें बताना है। तो मिलोडियस में सुरीली संगीत, तो क्या होगा इसका मीनिंग, म्यूजिकल इसका मीनिंग हो जाएगा। चार ऑप्शन है, फर्स्ट है सैड, बी नंबर है म्यूजिकल, सी नंबर है मैरी, डी नंबर है हैप्पी, तो यहाँ पर म्यूजिकल सही होगा। दूसरा है न्यूट्रलाइज, फर्स्ट ऑप्शन ए है टू बी फिल्ड विद नेक्टर, ऑप्शन बी है टू मेक समथिंग हार्मलेस, ऑप्शन सी है फिनिश द वैल्यू, ऑप्शन डी है टू मेक समथिंग लुक ब्यूटिफुली, तो ये न्यूट्रलाइज मतलब प्रभावहीन करना, तो देखिए टू मेक समथिंग हार्मलेस प्रभावहीन करना हुआ। फिर तीसरा है वीनम मीन्स होता है जहर, तो ऑप्शन ए है पॉइजन, ऑप्शन बी है ब्लेसिंग्स, ऑप्शन सी है मनी, ऑप्शन सी है हनी, तो देखिए मनी पैसा, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद और हनी शहद तो नहीं हो सकते, पॉइजन मीन्स होता है जहर, वीनम मीन्स भी होता है जहर, तो यही होगा। चौथा है नेक्टर मीन्स होता है अमृत, ऑप्शन ए है ब्यूटी सुंदरता, ऑप्शन बी है ब्राइट लाइट फ्रॉम हेवन स्वर्ग से आती चमकीली प्रकाश, ऑप्शन सी है पॉइजन जहर, ऑप्शन डी है ड्रिंक ऑफ गॉड्स ईश्वर के द्वारा पीना, तो नेक्टर अमृत किसके द्वारा, ईश्वर के द्वारा पीना हुआ, ठीक है। पांचवा अटैक मीन्स होता है आक्रमण करना, ऑप्शन ए है टू हार्म समवन किसी को नुकसान पहुंचाना, टू
टू आर्ग्यू विद समवन, किसी से बहस करना। टू बी फ्रेंडली विद समवन, किसी से फ्रेंडली फ्रेंडली पेश आना। ऑप्शन डी है टू बी एनर्जी विद समवन, किसी से टू बी एंग्री विद समवन, किसी से गुस्सा होना। तो अटैक का मीनिंग क्या होगा, टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाना। अटैक का मीनिंग क्या होगा, किसी को नुकसान पहुंचाना। फिर सिक्स है एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन। ऑप्शन ए है अट्रैक्टिव, ऑप्शन बी है ह्यूज, ऑप्शन सी है न्यू, ऑप्शन डी है ओल्ड। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, ह्यूज मतलब विशाल, न्यू मीन्स नया, ओल्ड मीन्स पुराना, एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, प्राचीन मीन्स होता है पुराना, तो ये ओल्ड सही होगा। फिर यहाँ और देखते हैं, यहाँ सिमोन, सिमोन का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए है टेल समवन टू कम, ऑप्शन बी है टेल समवन टू सैल्यूट, किसी को आने के लिए बोलना, किसी को सलाम करने के लिए बोलना। टू टेल समवन टू स्पीक, किसी को बोलने के लिए बोलना। टू टेल समवन टू सम अप, किसी को सम अप करने के लिए बोलना। तो यहाँ पर टू टेल समवन टू कम, तो टेल समवन टू कम ये वाला ऑप्शन सही होगा। आठवां है मैग्निफिसेंट मतलब शानदार भव्य। ऑप्शन ए है ग्रैंड, ऑप्शन बी है इंटरेस्टिंग, ऑप्शन सी है ऑर्डिनरी, ऑप्शन डी है ब्राइट। तो यहाँ पर मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, भव्य ग्रैंड मीन्स भी होता है भव्य, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग रुचिकर ब्राइट चमकीला, तो इसमें ये ग्रैंड सही ऑप्शन हुआ। नवा है स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्तिकला, स्कल्पचर मूर्ति मूर्तिकला। तो ऑप्शन ए स्टैचू में मतलब मूर्ति, ऑप्शन बी है टम्स, ऑप्शन सी है डिजाइन, ऑप्शन डी है पिलर, तो इसमें से स्टैचू ये सही होगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बी नंबर है पिक आउट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड चेंज देम टू नाउंस बाय एडिंग नेस। तो हमें लेसन से, हमें टेक्स्ट बुक से क्या करना है, एडजेक्टिव छांटना है और उन्हें नाउन में परिवर्तित करना है। एडजेक्टिव छांट करके नाउन में परिवर्तित करना है और उसमें एडिंग क्या चीज़ ऐड करना है, नेस ऐड करके हमें नाउन बनाना है। तो चलिए मैं बना के रखी हुई हूँ, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एडजेक्टिव सफिक्स में नेस जोड़ना है और न्यू शब्द नाउन बनाना है। ओल्ड मीन्स होता है पुराना, नेस जोड़ गया तो ओल्डनेस मीन्स भी पुराना हुआ। साउंड में नेस जोड़ दिए तो साउंडनेस हो गया। पोलाइट, पोलाइट में नेस जोड़े पोलाइटनेस हो गया। स्वीट, स्वीट में नेस जोड़े तो स्वीटनेस हो गया। वाइट, वाइट में नेस जोड़े तो वाइटनेस हो गया। तो ये था, ये है एडजेक्टिव है, ये सफिक्स है, सफिक्स मतलब प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे में जुड़ने वाला। और ये नेस नेस जोड़ करके हम लोग इसको नाउन में परिवर्तित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आई होप समझ में आया होगा। सी नंबर है मैच द एडजेक्टिव्स इन ए विद देयर अपोजिट इन बी। तो यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर भी एडजेक्टिव विशेषण दिया गया है जिसमें हमें ए और बी को, इसका एक तरफ एडजेक्टिव है दूसरे तरफ उनके अपोजिट वर्ड है, उनको हमें यहाँ मिलान करना है। पोलाइट मीन्स होता है विनम्रता, तो पोलाइट का विरुद्ध उल्टा क्या हुआ, रूड। रूड मीन्स होता है क्रूअल। स्वीट मीन्स होता है मीठा, उसका उल्टा बिटर। बिटर मीन्स होता है कड़वा। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, उसका उल्टा डुल। डुल मीन्स होता है धुंधला। नीट मीन्स होता है साफ, उसका अपोजिट डर्टी मीन्स होता है गंदा। व्हाइट मीन्स होता है सफेद, उसका अपोजिट ब्लैक मीन्स होता है काला। अगली मीन्स होता है बदसूरत, उसका अपोजिट ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। ये भी एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्रामर सेक्शन। स्टडी द प्राइस टेज टैक्स केयरफुली एंड आस्क ईच अदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर देम एज इन द एग्जांपल, वर्क इन पेयर। तो देखिए आपको जोड़ी ग्रुप बनाना है, जोड़ी जोड़ी में पेयर बन जाना है। उसमें क्या करना है, जो ये सामान दिए गए हैं उनके प्राइस दिए हैं उनको केयरफुली आपको देखना है, एक दूसरे से क्या करना है, क्वेश्चन करना है और उसका एग्जाम्पल के आधार पर उत्तर देना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है विच आइटम इज चीपर देन, यहाँ पहले देख लेते हैं बैट बॉल की प्राइस कितनी है 200, हॉकी की प्राइस कितनी है 120,
हॉकी की प्राइस 120 है, रैकेट की प्राइस है 120, और यहाँ फुटबॉल की प्राइस है 120, यहाँ लूडो की प्राइस है 55 और चेस बोर्ड की प्राइस है 70 रुपये। अब इसे कंप्राइज करके आपको क्वेश्चन एंड आंसर करना है। जैसे यहाँ एग्जांपल है, विच आइटम इज चीपर देन द चेस बोर्ड, तो जो चेस बोर्ड है, ठीक है, चेस बोर्ड है उससे कौन सा आइटम मीन्स होता है सामान, कौन सा आइटम, कौन सा सामान चीपर है, मतलब कि उससे कम, उससे सस्ता है, चेस बोर्ड से सस्ता कौन सा सामान है, तो ये लूडो हुआ, लूडो है ना, जे 70 रुपये है, ये 55, तो इससे सस्ता लूडो है, तो आंसर है लूडो इज चीपर देन द चेस बोर्ड, तो लूडो, लूडो क्या है, चेस बोर्ड से सस्ता है। इसी प्रकार से हमें ये नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, तो देखिए कैसे देंगे हम। फर्स्ट है, विच आइटम इज द चीपेस्ट, कौन सा आइटम, कौन सा सामान चीपेस्ट मीन्स होता है सबसे सस्ता है, तो यहाँ लूडो, तो लूडो इज, लूडो आइटम इज द चीपेस्ट, तो लूडो क्या है, सबसे सस्ता है, इसका आंसर हुआ, ठीक है। दूसरा है, विच इज द कॉस्टलीस्ट आइटम, तो कौन सा सामान सबसे ज्यादा महंगी है, तो कौन सा सामान यहाँ पास, बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल सबसे ज्यादा, तो बैट एंड बॉल इज द कॉस्टलीस्ट आइटम, तो बैट एंड बॉल सबसे ज्यादा प्राइस है उनका। तीसरा है, विच आइटम आर चीपर देन द बैट, तो बैट के, बैट से सस्ता कौन सा सामान है, तो बैट से सस्ता कौन सा सामान है, ये जो 120 और 120 120 यहाँ हॉकी, रैकेट और फुटबॉल, ये तीन सामान बैट से सस्ता है, ये तीन चार सामान, ठीक है। चौथा है, विच आइटम्स आर एज कॉस्टली एज द रैकेट्स, तो रैकेट से कौन सा आइटम महंगा है, रैकेट से कौन सा आइटम रैकेट के बराबर ही महंगे हैं, तो कौन कौन से आइटम रैकेट के बराबर महंगे हैं, हॉकी 120 120 और यहाँ पास फुटबॉल 120, ये दोनों का प्राइस ये रैकेट के प्राइस के बराबर ही है। इसको थोड़ा सा और मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट है, विच आइटम इज द चीपेस्ट, तो लूडो इज द चीपेस्ट आइटम। विच इज द कॉस्टलीस्ट आइटम, बैट इज द कॉस्टलीस्ट आइटम। विच आइटम आर चीपर देन द बैट, तो हॉकी, रैकेट, फुटबॉल, चेस बोर्ड एंड लूडो आर चीपर देन बैट, तो बैट से ये चारों पांच चीज सस्ती हैं। फिर इधर विच आइटम आर एज कॉस्टली एज एज द रैकेट, तो रैकेट के बराबर कौन सा आइटम आइटम महंगा है, तो हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल एज कॉस्टली एज द रैकेट, तो रैकेट के बराबर हॉकी और फुटबॉल कॉस्ट है, महंगा है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन आंसर वाली ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर ना प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।